आइए आज हम आपको स्वादिष्ट मूंग दाल भजिया बनाना बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मूंग दाल का भजिया बनाने, जिसके लिए 2 कप मूंग दाल को अच्छे से 5 से 6 घंटे के लिए धुल करके भिगो करके ले लिया था। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। दाल को अच्छे से पीस लिए हैं, इसे बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, इसे हल्का दरदरा रहने देंगे। अब इसमें डालने वाले सामान देख लेंगे। हरा धनिया काट लेंगे बारीक, हरी मिर्ची और प्याज अपने हिसाब से डालें आपको कितना डालना है। थोड़ा सा खड़ा धनिया को दरदरा कूट लिया है, जीरा और हींग, ये सारे सामान को एक में मिला करके मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, आपको कम ज़्यादा कैसा पसंद है। भजिया के बैटर को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था कि अच्छे से ये फूल जाए। अब ये अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक कढ़ैया में तेल डाल दिया था गर्म होने को, अब ये हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके भजिया डालेंगे, चाहे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। सारे भजिया को डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई नहीं करेंगे। अब इसे अच्छे से एक साइड से गोल्डन फ्राई होने देंगे। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो गया है, अब इसे उलटते पुलटते दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। भजिया अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म भजिया बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये बारिश के मौसम हो या कोई भी मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये भजिया कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।